हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं आरके टूल चैनल। जितने भी वैक्सीनेटर हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग हैं जो क्वेश्चन कर रहे हैं बार बार मेरे से, और उनका सवाल है, मैं आपको, आपका भी सवाल होगा शायद, हो सकता है, तो आप इस वीडियो को देखिएगा। आपको जो भी डाउट है मन में, जो भी आप सोच रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, वो सब क्लियर हो जाएगा, तो पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। देखिए, ये प्रदीप बक्सा जी हैं, इन्होंने सवाल पूछा है, क्या खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब कि वैक्सीनेटर के साथ साथ क्या मैं खुद की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। जी हाँ, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस आना ज़रूरी है, प्रैक्टिस पहले से एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, और साथ में सरकार से मान्यता प्राप्त हो, मतलब सरकार से परमिशन ले करके आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। और आपका जवाब ख़त्म हो गया। अब दूसरे लोग हैं, दूसरा है, इनका नाम है मोहम्मद इलियास अहमद तुर्क। इन्होंने पूछा है कि सर, आगे चल के कभी सरकारी हो सकती है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सरकारी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इसके लिए हम, मैं कुछ कह नहीं सकता, इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये स्वरोजगार योजना के अंतर्गत है। अगर सरकार चाहे तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अभी ये स्वरोजगार योजना के अंतर्गत है। तीसरा आदमी है, इन्होंने पूछा है, मुनेश कुमार जी, ये पूछते हैं कि जो आदमी टैग नहीं लगवाता उसका क्या होगा? तो दोस्त, जो आदमी टैग नहीं लगवा रहा, तो ऐसा कीजिए, आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए, जो आपके डॉक्टर हैं, अधिकारी हैं, उनसे संपर्क कीजिए, वो आपको बताएंगे इस बारे में कि उसका क्या करना है। और अगला आदमी है, वो पूछते हैं कि सतीश कुमार जी, ये पूछते हैं कि सर, मंथ की सैलरी कितनी है? तो मेरे भाई, मंथ की सैलरी नहीं है, मैं कई बार बता चुका हूँ, आपने फिर पूछा है कि मंथ की सैलरी नहीं है, ये स्वरोजगार योजना के अंतर्गत है। इसमें आपको प्रति टीका के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, और जितने हजार आपके जानवर है, उतने हजार के तीन गुना आपको मिल जाएगा। साल में चार बार आया तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना हो सकता है, ठीक है। अरविंद कुमार जी, अगले सवाल है, अरविंद कुमार जी ये पूछते हैं, सर, हम सरकारी हो सकते हैं? तो दोस्त, सरकारी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये फिर आपका आ गया कि सरकारी हो सकते हैं, तो ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है। अल्लू सिंह कानपुरिया, मेरा हेल्पर में हुआ है, मुबारक हो आपको, आपको हेल्पर में हुआ है, बधाई हो भाई, मिठाई मेरे लिए भिजवा देना, ठीक है। टारगेट नीट, ये पूछते हैं, वैक्सीनेटर का कोई ऑफिशियल वेबसाइट बताइए? तो दोस्त, इसका कोई वेबसाइट नहीं है फ़िलहाल, ये ऑफलाइन ही है, और मेरे पास, मेरे नॉलेज में तो कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, अगर होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगला जो है, ये पूछते हैं जितेंद्र राजपूत, ये कहते हैं, सर, अभी अप्लाई कर सकते हैं क्या? दोस्त, आपके यहाँ यदि हो रहा होगा तो आप नज़दीकी विभाग में जा कर के पूछिए, और वो आपको बताएंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। ये थे हमारे क्वेश्चन, और यदि आपका कोई क्वेश्चन है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपका कोई क्वेश्चन है, तो अभी कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए, और जो भी सवाल है आपका पूछिए, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई या फिर एक वीडियो बना के देने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना यार, लाइक में आप कंजूसी करते हो। और दोस्त, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग डिसलाइक करते हैं यार, उनको क्या तकलीफ है यार, क्यों जलते हो आप लोग, हैं, किस लिए आप डिसलाइक करते हो, क्या मिलता है यार आपको, आप क्या कहूँ यार। चलो, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, मेरे चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना, क्योंकि मैं आपके हर एक सवालों का जवाब देने का प्रयास करता हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मैं चाहता हूँ कि आपके हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि हेल्प करना ही बेटर है मेरे लिए, और क्या चाहिए यार, हेल्प करूँगा तो ठीक रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुछ समझ गए होंगे, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।